वहीं अगर हम बात करते हैं अभी के लिए, आप देखिए टीम अलादीन वो फाइट के अंदर है, टीम गॉडले के साथ डैमेज काफी तगड़ा, बट पीछे नियो की तरह से वो स्प्रे चलेगी, एक बढ़िया कवर फायर आएगा, एचपी काफी कम की खिलाड़ी की शाना चाहती, टीम गॉडले एक अच्छा स्प्रिट लेके बैठी है, पूरी तरीके से टीम अलादीन के सही हम जॉन अकेले बचे हैं, वो नेड चलती दिखेगी सही हम के लिए भी दिक्कतें बढ़ाएगी, और अब जॉनसन पुश करेंगे डीबीएस, एक कनेक्शन होने का मौका, हल्का सा लूज किया था एम, बट वही एम यूएसबी इस मैच से बाहर कर जाएंगे 11वें स्थान पे, टीम गॉडले बहुत पहले यहाँ पे आए थे और इसके बाद से यहीं पे रुके हुए, लेकिन टीमों को सर्कल में जाने की जरूरत पड़ने वाली, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्लेयर जो थे आई थिंक वो कौन से प्लेयर है, प्लेयर टू थे, थोड़ा सा अनबैलेंस हुए, बट शैडो ने वहां पे कोई गलती नहीं किया, मिड में एक अच्छा स्प्रे और शैडो आईजीलिंग के साथ अब फिनिशिंग का भी रोल काफी अच्छे तरीके से निभा रहे, लेकिन जी गॉड और न्यू उनको रिवाइव देने की यहाँ पे जरूरत है, जोनाथन जाएंगे सेवियर की तरह और बचाने की पूरी पूरी कोशिश है यहाँ पे न्यू का, और उसमें लगभग कामयाब हो चुके, लेकिन आखिरी खिलाड़ी मवी सामने से ग्रेनेड आ जाएगा, न्यू का आई थिंक वहां पे सफर हमें समाप्त होता हुआ देखने को मिल सकता है, बट अभी तक वो जो इम्पैक्ट था पता चला नहीं उतने अच्छे तरीके से, और जोनाथन इतने दूर से डीबीएस इस्तेमाल करते हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स 9वें स्थान पे इस मैच से बाहर होते हुए, प्रेस 5 फिनिशेस न्यू की टीम में फाइट दे रही है, सारा फोकस आपके ऊपर, दोनों टीमें मिलकर स्प्रे देगी और वही चीज हो रही, जॉनी अब अकेले बचेंगे, एंड जॉनथन ही नीड्स टू सर्वाइव, गो फॉर द हील बैटल इफ यू हैव फर्स्ट एड, बट नो ही इज नॉट हैविंग दोस फर्स्ट एड, टीम गॉड लाइक बहुत आगे आई, बट अब क्या यहां से सफर तीसरे पायदान पे ही खत्म होगा, अगर यहां से भी जाते तो एटलीस्ट 18 अंक लेके जाएंगे, एक बहुत बड़ी गेम है, बड़े उन्हें मुश्किल में डाला गया, देखिए जॉनथन का ट्राई है कि इस कवर के थ्रू अपने आप को अंदर लेके जाए, बट जैसे ही वो कवर के आसपास